हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सबको पता है, इस बार के जो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, इस बार दो टर्म होंगे और दोनों टर्म बोर्ड के टर्म होंगे। फर्स्ट टर्म भी बोर्ड का होगा, सेकंड टर्म भी बोर्ड का होगा। जो फर्स्ट टर्म का जो बोर्ड होगा, उसमें आपने जो पैटर्न पढ़ा है सीबीएसई का, उसमें आपको सीबीएसई का जो पैटर्न पढ़ना है या जो आपका पैटर्न से जो आ रहा है, उसमें सबसे पहले तो एमसीक्यूज की बात की गई है। एमसीक्यूज से बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि एमसीक्यूज आ रहे हैं तो शायद बर्डन कम होगा। ये बात सही है कि आपको ये पता है कि पहले से ही इतना ज्यादा प्रेशर है कोरोना की वजह से। इस कोरोना के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बच्चों का कोई ज्यादा टेंशन ना हो, बच्चों पर कोई इसके लिए कोई टेंशन ना हो, उसकी हेल्थ पर कोई साइड इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से बोर्ड ने इस पैटर्न को चेंज करने का डिसीजन लिया। और अब आपका जो फर्स्ट टर्म का पैटर्न है, उसमें एमसीक्यूज आएंगे और केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। अब स्टूडेंट्स को करना क्या है? एमसीक्यूज, ये बात सही है कि बच्चों को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हट जाता है एमसीक्यूज का नाम सुनते हैं तो, क्योंकि एमसीक्यूज से बच्चों को ऐसा लगता है कि टिक लगाते हैं तो उसमें महान आंसर सही होता है। लेकिन बच्चों, मैंने इसलिए काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, काफी टाइम से मैं भी, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया चैनल, काफी टाइम हो गया, आज आपके सामने इसलिए आना पड़ा कि कम से कम आपको जो पैटर्न आ रहा है, उस पैटर्न से आप कैसे उस आपका जो फर्स्ट टर्म का बोर्ड है, और फर्स्ट टर्म का बोर्ड भी आपको ये समझना है कि जो फर्स्ट टर्म का जो बोर्ड दिया बोर्ड ने, उसमें आपको एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग में आपको सबसे पहले, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में मैथ्स साइंस मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो मेन सारे होते हैं, लेकिन मैथ साइंस को जो मेन सब्जेक्ट कहा जाता है, उसमें आपको एनसीईआरटी की बुक्स को प्रीफर करना है सबसे पहली बात, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने भी पहले से ही मैं बता दिया कि जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं, टेस्ट पेपर हैं, उनको सॉल्व करना है। सबसे बड़ी जो मेन बात है जो मैं यहाँ बताने आया हूँ, उसमें आपको एनसीईआरटी जो करनी है या आप जो भी बुक कर रहे हैं रिफ्रेशर वगैरह, उन बुक से आप जितना भी मटेरियल कंटेंट कलेक्ट करते हैं, उसमें आपको एक अलग तरीके से पढ़ाई करनी है। क्या करना है? जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं और हम नोट्स बना लेते हैं, इस बार हमें करना क्या है, इस बार कुछ अलग से नहीं करना, थोड़ा डिफरेंट करना है। क्या करना है? हमें एनसीईआरटी या कोई भी बुक या हमारे नोट्स, उनका एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको शार्पली पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को जो पुटअप किए आएंगे उन्हीं चैप्टर में से आएंगे, लेकिन हमें ध्यान क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपने जिस चैप्टर को पढ़ा उस चैप्टर से रिलेटेड जो उसका बेसिक है, उसका इंट्रोडक्शन है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका हर एक लाइन, चैप्टर से रिलेटेड एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे से रीड करना है।
अब जैसे आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में अगर जैसे थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें अगर हम कॉन्सेप्ट वाली बात करें तो सबसे पहले उसमें कंडीशन आती है उसमें, ऊपर उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है। कंडीशन क्या है, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसमें आता है कौन से सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशंस में आता है आपको नो सॉल्यूशन, दूसरा आता है इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन, तीसरा आता है आपका नो सॉल्यूशन आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मन सोल्यूशन और इन सोल्यूशन, ये आते हैं। ये आप पूछता अगर कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, कौन कंसिस्टेंट कौन इनकंसिस्टेंट, हमें ये तो पता है कि तीन कंडीशन होती हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फर्स्ट, सेकंड a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, थर्ड आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, हमने ये कर लिया। अब हमें इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो है इनके सॉल्यूशन कौन से होंगे, तो मैंने बताया एक तो इनफाइनाइट मान सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन सॉल्यूशन, एक तो ये पूछते हैं। और क्या क्वेश्चन बनता है इसमें, इसमें बस क्वेश्चन बनता है ये इनमें से किसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे और कौन इनकंसिस्टेंट होंगे। इसके बाद आता है कौन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन कोइंसिडेंट लाइन है, आपको इन पर ध्यान देना है। अब हमने कंडीशन पढ़ ली, अब हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो हम जब इनके बारे में पता होगा तो अब आपने ये पता है कि इनका जो भी कंडीशन है उससे रिलेटेड कौन कौन सी इसमें कंडीशन हो सकती है। पहला सॉल्यूशन की कंडीशन, दूसरा कौन सी लाइन की है, इंटरसेक्टर लाइन है या पैरेलल लाइन है या इस टाइप से, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये सब इन्हीं तीन कंडीशन पर, इन्हीं तीन रेशियो पर जो लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं उनमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनके रेशियो फाइंड करके हमें बताते हैं। इन्हीं में हम बता देते हैं, अगर कंडीशन दी हो तो हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, पी की वैल्यू, के की वैल्यू, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। अब जैसे मैथमेटिक्स एग्जांपल मैंने ये लिया कि लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं उनमें से a1 b1 c1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके रेशियो को कंपेयर कर लिया और बता दिया कौन इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है, कौन यूनिक सॉल्यूशन है, कौन नो सॉल्यूशन, कौन कोइंसिडेंट लाइन है, कौन इंटरसेक्टिंग लाइन है। आप इनको बताने के बाद कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, ये हुआ मैथ्स का एग्जांपल। अब आपको कब पता चला, जब आपने इससे रिलेटेड कोई भी कंडीशन को ध्यान से पढ़ा। अब हमने तो सिर्फ इतना पढ़ लिया कि ये कंडीशन होती हैं और यूनिक्सल, हमें इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जैसे मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, रिफ्लेक्शन में कौन के मिरर के 6 केसेस दे रखे हैं, कौन के मिरर के 6 केसेस दे रखे हैं। अब उसमें जैसे पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, अगला केस आपका बियॉन्ड सी हो, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, थर्ड केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, फोर्थ केस सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, नेक्स्ट केस आपका क्या है, आपका केस फोकस पर है, नेक्स्ट केस क्या है, फोकस और पोल के बीच में है। अब हमें ये पता कि इन 6 केसेस में इमेज काम बनती है, 5 केस में हम जानते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, फर्स्ट 5 केसेस में जैसे आपका
इन्फिनिटी पर रखा हो, बियॉन्ड सी रखा हो, एट सी रखा हो, फोकस और सी के बीच रखा हो, फोकस पर रखा हो, इन सब केसेस में रियल और इनोट बनते हैं। लेकिन जब फोकस और पोल के बीच रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो क्या बनता है, तो वर्चुअल इरेक्ट बनती है। अब क्वेश्चन आता है, अब इसमें से अब आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि इमेज कहाँ बनती है, तो इनका साइज बता दिया, इनका साइज मतलब इमेज का साइज बता दिया, कैसे साइज होगा, नेचर बता दी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होंगे तो रियल एंड इन्वर्टर बनेंगे, बिहाइंड द मिरर होगा तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन पुटअप कर दिया उन्होंने, आप सेविंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो सेविंग मिरर में कौन के यूज होता है, तो सेविंग मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वहां एग्जैक्टली कहां रखा होना चाहिए। अब आप कैसे आंसर देंगे, आपको तो पता है कि अब आपके दिमाग में आना चाहिए कौन के मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, फाइव कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टर होता है, रियल एंड इन्वर्टर उल्टा, सिर्फ एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, समझ रहे ना। अब इरेक्ट आप जब आप सेविंग मिरर में देख रहे हैं, इमेज कैसा बनेगा, ऑब्वियसली वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखिए 19 केसेस में से क्वेश्चन पुटअप किया गया, लेकिन क्वेश्चन पुटअप कैसे किया गया और अलग टाइप से, कैसा है तो उन्हीं केसेस में से, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से उसको रीड करना है, समझना है, उन केसेस की तरफ ध्यान से देखना है। क्या देख आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर इन फाइव केसेस में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, जबकि आपको इमेज का बनाने कैसी है सिंगल मिरर में, इरेक्ट, इरेक्ट का बनता है सिर्फ एक केस में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट बिटवीन पोल फोकस एंड पोल ऑफ द सिंगल मिरर। अब आप देख रहे हैं, मैं छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन में जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं या एनसीईआरटी में जो कंटेंट है उस कंटेंट को ध्यान से पढ़िए, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आप कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आपको जो भी बोर्ड में टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए उसका पूरा यूज करें, पूरा यूज कर पाएंगे तभी आप क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करते हैं कि स्टडी पढ़ते हैं, उसके लिए मस्ट है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड ने जो ये आपके लिए पैटर्न चेंज किया है एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म में एडवांटेज पहुंचाने के लिए, आप तक आपका अच्छे से आपका डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, इसलिए किया है। क्योंकि आप देखते होंगे, जानते होंगे, जितने भी कंपटीशन होते हैं, कोई भी कंपटीशन, वो एमसीक्यूज में आते हैं और आप लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन का पढ़ते नहीं है। अगर आप यहीं से हैबिट डाल लेंगे तो जब आप किसी भी कंपटीशन में आप कॉम्पीट करेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत अच्छे से पड़ जाएगी, फिर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके दिमाग में है तभी हो सकते हैं जब आपने वो रीड किया हो। तो सबसे बड़ा जो मेन उनका मोटो है सीबीएसई बोर्ड का, वो यही है कि स्टूडेंट को अच्छे से हर एक टॉपिक को रीड करना है, समझना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसका रिस्पॉन्ड करना है। मैं अब आपको टाइम टू टाइम एमसीक्यूज की वीडियो भी दूंगा, मैंने ये
डिसाइड किया, जिससे आपको 10th और 12th के बोर्ड के क्वेश्चन में करने में हेल्प मिलेगी। आपको सबसे बड़ी बात, एक कंक्लूजन बोलता हूँ, तो कंक्लूजन ये है कि आपको NCERT या जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, उसका कंटेंट को ध्यान से पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर जब होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन का जब आप किस चैप्टर का टॉपिक का बेस पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पुटअप किया सकते हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए, जिससे आप इजीली उसका रिस्पॉन्ड कर सके। समझ आ रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो मैं आपकी इस क्वेरीज को बिल्कुल जैसे पहले करता आया हूँ उससे उसी टाइप से सॉल्व करूंगा, और आगे वीडियो में फिर आपसे इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।